नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा NTPC रेलवे NTPC GK के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि NTPC जो एग्जाम है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी जो कि रेलवे के अंतर्गत रेलवे लेने वाला है, उसमें मैथ्स के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन और GK GS GA के आने वाले हैं आपके, कितने आने वाले हैं 40 क्वेश्चन। तो ये 40 क्वेश्चन के लिए मैंने डेली आपके लिए मॉडल पेपर लेके आऊँगा। उस मॉडल पेपर के अंतर्गत मैं आपको 40 प्रश्न बताऊँगा GK GS GA, जिसके अंतर्गत जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के 40 प्रश्न मैंने कवर किए हैं। तो दोस्तों डेली मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेके आता हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन जरूर देखिए, क्योंकि ये वही प्रश्न है जो रेलवे की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन प्रश्नों को आप ध्यान से इसलिए देखिएगा कि क्या हुआ कि मैं आपको 40 प्रश्नों के डेली मॉडल पेपर आपको दूंगा, तो इसके अंतर्गत आपकी शिफ्ट में, आपके पेपर में हो सकता है कि 4 से 5 क्वेश्चन इन क्वेश्चंस में से आ जाए और आपका पेपर अच्छा हो जाए। तो इसलिए आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से जरूर देखिए और आराम से देखिए। तो चलिए आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का सबसे पहला प्रश्न है, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था। आपको बताना है कि मानव ने सबसे पहला रेशा कौन सा बनाया था, कृत्रिम रेशा जो मानव के द्वारा निर्माण किया गया था। इसका सही उत्तर दोस्तों रेयॉन। रेयॉन वह कृत्रिम रेशा है जो मानव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा सबसे पहले बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। आपको बताना है कि जो मौर्य काल था उसमें शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र, मतलब सबसे ज्यादा शिक्षा कहां पर प्राप्त की जाती थी। तो दोस्तों यहां पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों तक्षशिला। जो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह कौन सा है। आपको बताना है कि कौन सा ग्रह आकाश में हम देखते हैं ना, कि कौन सा ग्रह सबसे अधिक चमकता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा शुक्र ग्रह, जिसे हम भोर का तारा भी कहते हैं। आप आकाश में देखेंगे तो ये सबसे ज्यादा टिमटिमाता है ये वाला स्टार, इसलिए इसको भोर का तारा भी कहते हैं और सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि अगर आप NTPC रेलवे की डेली क्लास प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट क्लास की अपडेट मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कार्बन क्या है। आपको बताना है कि कार्बन इनमें से क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कार्बन एक अधातु है। क्या है, कार्बन अधातु है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है। आपको बताना है कि गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वह किससे संबंधित है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। आपको बताना है कि किस अधिनियम, आपको अधिनियम का सन बताना है कि जो अधिनियम का सन था वो कौन से अधिनियम की विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1935 अधिनियम। 1935 अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है। आपको बताना है कि सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 7.35 से 7.45। कितना होता है, 7.35 से 7.45। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, जिन शब्द का प्रतिपादक किसने किया। आपको बताना है कि जिन शब्द होता है उसका प्रतिपादक किस वैज्ञानिक ने किया था। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉनसन। क्या होता है, जॉनसन। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको वीडियो के आखिरी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं रेलवे NTPC एग्जाम को लेकर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बिशप शब्द का संबंध किस खेल से होता है। आपको बताना है जो बिशप शब्द होता है उस शब्द का संबंध किस खेल से होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा शतरंज। जो बिशप शब्द होता है उसका संबंध किस खेल से होता है, शतरंज खेल से होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का क्या कारण है। आपको बताना है कि जो लोहे की जो सुई रहती है वो कभी कभी पानी पर तैर जाती है, तो उस जो विज्ञान का ये नियम होता है उसका नियम का कारण क्या है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पृष्ठ तनाव। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि पृष्ठ तनाव के कारण जो सुई होती है वो पानी की सतह पर तैर जाती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस खेल का परिसर डायमंड कहलाता है। आपको बताना है कि किस खेल का परिसर डायमंड कहलाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बेसबॉल। जो बेसबॉल खेल होता है उसका परिसर को हम डायमंड भी कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी। आपको बताना है कि किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी।
दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। आपको बताना है कि जो चांदी होती है उसका निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अर्जेंटाइट। किस से किया जाता है? अर्जेंटाइट से किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है। जब भी आपने काम किया होगा कंप्यूटर के अंदर एमएस वर्ड में, तब आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, एमएस वर्ड के अंदर कोई वर्ड लिखते हैं, तो उस वर्ड के नीचे कभी कभी लाल रंग की पट्टी आ जाती है, तो उसका क्या मतलब, उस निशान का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेलिंग में त्रुटि। जब भी किसी वर्ड की स्पेलिंग में त्रुटि होती है तो वहां पर लाल का निशान आ जाता है, लाल पट्टियां आ जाती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार का संविधानिक अध्यक्ष कौन है। जो भारत सरकार का संविधानिक अध्यक्ष कौन होता है, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। संविधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति होते हैं, जो रामनाथ कोविंद है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन कब अस्तित्व में आया। आपको बताना है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मतलब की स्थापना कब की गई थी, किस वर्ष में की गई थी। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 में। कब की गई थी? 1950 ईस्वी में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना की गई थी। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान भी लागू हुआ था, तो उसी सन में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की भी स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। आपको बताना है कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी, यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अरावली। अरावली की पर्वत श्रेणियां सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियां है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ। आपको बताना है कि जो मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम किस काल में हुआ था। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल में। कब हुआ था? गुप्त काल में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। आपको बताना है कि जो हमारे पेट के अंतर्गत भोजन होता है उसको पचाने में इनमें से किस चीज़ की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा एंजाइम की। किसकी आवश्यकता होती है? एंजाइम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जो हमारे अंदर पेट के अंतर्गत भोजन होता है उसको पचाने में एंजाइम बहुत मुख्य भूमिका निभाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में नोबल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। आपको बताना है कि अर्थशास्त्र में नोबल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, आपको बताना प्रथम भारतीय कौन थे। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अमर्त्य सेन। किसको मिला था सबसे पहले? अमर्त्य सेन को मिला था नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में। चलिए सब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। आपको बताना है कि किस देश में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में उनका सबसे अधिक उत्पादन होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। आपको बताना है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है? चार्ल्स बेबेज ने। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। आपको बताना है कि कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कील नहर। कौन सी नहर? कील नहर किसको मिलाती है? बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज्योग्राफी का याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है। आपको बताना है कि इनमें से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है लोकसभा, दूसरा है विधान परिषद, तीसरा है विधानसभा और चौथा है राज्यसभा। देखिए जो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा की सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न में कि किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा। जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति, वो उसके सदस्य नहीं होते। तो यहाँ पर पूछा गया था किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, राज्यसभा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों एक मार्क। अगर किसी भी पदार्थ में, खाद्य पदार्थ में एक मार्क का चिन्ह लगा होता है तो हम ये मानते हैं कि वह पदार्थ शुद्ध है। चलिए भारत सरकार द्वारा यह एक मार्क प्रदान किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन। आपको बताना है कि जो भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन, इनमें से कौन सा है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों IDBI।
IDBI बैंक है जो भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन है, जो कि जो भारत के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज चलती है उनको लोन प्रोवाइड कराना, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना वो IDBI के द्वारा प्राप्त किया है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है IDBI का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ये हमारे जितने भी भारत के अंतर्गत औद्योगिक वित्त का जितना भी काम होता है वह IDBI के द्वारा किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। रॉबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है कि रॉबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है। इसका सही उत्तर दोस्तों फुटबॉल से। रॉबर्ट्स कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? आपको बताना है कि कौन सी जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं, मतलब सभी जो है जैसे कि शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी सभी तरह के होते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बुशमैन। बुशमैन जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किस साल में मिली थी? आपको वो साल बताना है जब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिली थी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1625। 1625 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी गई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1 मई को। 1 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा में अक्सर रेलवे की परीक्षा में पूछा जाता है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न बताता हूँ मैं आपको। अगला प्रश्न है, शोर मंदिर किस प्रदेश में? आपको बताना है कि जो शोर मंदिर है वह किस प्रदेश में है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। शोर मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित यौगिक में से किसमें आयनिक बंध नहीं है? आपको बताना है कि जो यहाँ पर यौगिक दे रखे हैं उनमें से किसमें आयनिक बंध नहीं होते हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मीथेन। मीथेन में आयनिक बंध नहीं पाए जाते, बाकी कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा इसका मीथेन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडम किस देश में स्थित है? आपको बताना है कि जो यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह जिसका आपने नाम सुना होगा रॉटरडम, वह किस देश में स्थित है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नीदरलैंड। कहां पर स्थित है? नीदरलैंड में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आपको ये तो पता होगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपको वो अनुच्छेद बताना है कि जिसमें इसका वर्णन किया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत यह बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है, एथलेटिक फूट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? आपको बताना है कि जो एथलेटिक फूट नामक बीमारी होती है, जो हमारे कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारे पैरों के बीच में, अंगूठे और उंगलियों के बीच में फंगस हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन, उसे हम बोलते हैं एथलेटिक फूट बीमारी। तो वह किसके कारण उत्पन्न होती है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कवक। वो किस कारण हो जाती है? कवक के कारण हमारे जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है पैरों में, वो किसके कारण होता है? कवक के कारण। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुष्पों के अध्ययन को साइंटिफिक भाषा में क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एंथोलॉजी। क्या कहते हैं उन्हें? एंथोलॉजी कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पे पाए जाते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा झारखंड में। कहाँ पे पाए जाते हैं? झारखंड में भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, समाज दर्पण के लेखक कौन है? आपको बताना है कि जो समाज दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र गिरी। कौन है? रामचंद्र गिरी समाज दर्पण के लेखक हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अर्जुन अटवाल किस खेल से संबंधित है? आपको बताना, आपने नाम सुना होगा अर्जुन अटवाल का संबंध किस खेल से? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा गोल्फ। जो प्रोफेशनल गोल्फर है अर्जुन अटवाल, जिनका संबंध किस खेल से? गोल्फ खेल से। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता क्या है? आपको बताना कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। और मैं आपको ऑक्सीजन का भी बता देता हूँ, ऑक्सीजन पाई जाती है 20%। इस प्रकार नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 20%, तो टोटल 98% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है। बची हुई 2% के अंतर्गत आपके ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैस आती है और वाष्प भी आती है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको डेली क्लास NTPC की डेली क्लास प्राप्त करवाते रहेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे बेल का आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों अगर आप इसका PDF भी प्राप्त करना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ से हमारा सभी PDF प्राप्त हो जाएगी और आपको हमारे डेली वीडियो भी वहाँ से प्राप्त होते रहेंगे। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।